बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये सो रहे हैं यहाँ पर। इनको दवा दे दिया गया हो, दे दिया गया, हम दे चुके हैं गर्म पानी के साथ। ये देखिए, ये दवा का पिटारा लेके बैठे हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग क्या रहेगा पता नहीं, क्योंकि आज हम लोग ब्लॉग शूट नहीं किए हैं, पहले से शूट करके नहीं रखे हुए हैं। विवेक की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, इसलिए शायद आज ब्लॉग ना डाल पाएँ। तो सोचे कि आप लोग को बता देते हैं कि आज का ब्लॉग नहीं आएगा, इसके लिए सॉरी। फिर तबीयत जैसे ही ठीक हो जाती है फिर आगे हम ब्लॉग शूट करेंगे, तो आप लोग को ज़रूर पता चल जाएगा, आप लोग के पास पहुँच जाएगा। विवेक आज सुबह सुबह पटना चले गए थे, शायद इनको ठंडी लग गई है, तो असल में दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये सो रहे हैं यहाँ पे। इनको दवा दे दिया गया हो, दे दिया गया, हम दे चुके हैं गर्म पानी के साथ। ये देखिए, ये दवा का पिटारा लेके बैठे हुए हैं। तो उसे बना लेते हैं वीडियो और बता देते हैं कि आज ब्लॉग नहीं बना पाएंगे। बाकी आज अगर विवेक की तबीयत ठीक हो जाती है तो कल हम लोग का कहीं प्लानिंग है जाने का, तो जाएंगे। अगर तबीयत नहीं ख़राब हो, मतलब नहीं ठीक होती है, तो शायद वो प्लान कैंसिल हो सकता है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये सब आप लोग को ब्लॉग में पता चल जाएगा, तो ब्लॉग को देखते रहिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विवेक की तबीयत वो तो सही हो जाए पहले। दवा तो ले लिए हैं और दवा लेके सोए हुए हैं। चाय पीने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं वोमिटिंग हो जाएगी, इसलिए चाय नहीं पी रहे हैं। तो आई होप तबीयत सही हो जाए और हम लोग चले जाएं, क्योंकि बहुत दिन के बाद प्लान बनाए हैं जाने का। अयांश बहुत छोटा है अभी, बहुत 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 छोटा है, बस 3 मंथ का आज हुआ ही है वो, इसलिए ठंडी का टाइम है। हम लोग उसको बाहर लेके नहीं जा पाते हैं क्योंकि ठंडी, और हम खुद नहीं बाहर जा पाते हैं क्योंकि अगर हमको कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको ऑटोमेटिक प्रॉब्लम हो ही जाएगी, इसलिए हम भी नहीं जा पाते हैं। और कल बहुत करने के बाद मौका मिला बाहर जाने का, लेकिन वो भी शायद विवेक की वजह से कैंसिल हो सकती है। और शांता को हम बुला लिए हैं, शाम में किया जाओ, सुबह सुबह से 6-7 बजे निकलेंगे, तो ठंडी के दिन में इतने सवेरे कैसे आ पाएगी। हम बोले यहीं पर रह जाओ और सुबह में चलेंगे साथ में सब लोग, फिर घूमते फिरते आएंगे। कहाँ जाएंगे ये नहीं बताएंगे, ब्लॉग में ही पता चलेगा। और आज भी जाना था पार्टी में, बगल में शादी है तो वहाँ जाना था, तो ये तो खैर अब जाने से रहें। शांता, खुशबू, ये लोग जाएगी, लेकिन देखिए कितने बजे निकलती है। जैसे अगर वो लोग रेडी होती है जाने के लिए तो हम आप लोग आपको बताएंगे कि वो लोग जा रही है। ब्लॉग तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा यही सब देख के मन बहला लीजिए। अयांश अपनी दादी के साथ खेल रहा है, शायद रो भी रहा हो, पता नहीं, हम उधर नहीं देखे हैं, लेकिन अभी खेल रहा था, चाय बनाने हम गए थे उधर खेल रहा था। हम और माँ नहीं जा रहे हैं और अब विवेक भी नहीं जा रहे हैं पार्टी में, इसलिए हम तीनों का खाना यहीं पर बनेगा, वो हम बनाएंगे। क्या अगर क्या बनाएंगे ये देखने में आप लोग इंटरेस्टेड है तो वो भी आप लोग को दिखा देंगे। फिलहाल थोड़े टाइम अयांश के साथ भी देख लीजिए क्या कर रहा है वो। ये रहा अयांश, और अयांश अभी फुल मस्ती के मूड में है, पूरा खेल रहा है। पापा के साथ भी खेल लो, सुना, पापा के साथ भी, पापा के साथ भी खेल लो बेटा। हर रोज नया नया बदमाशी सीख रहा है, हर रोज नया नया बदमाशी। और खांसी हो गई मेरे बच्चे को। चेहरा देख के लग रहा है कि अभी तो सैतानी करेगा ना बेटा। ये अयांश है, हम हैं, और ये अयांश के पापा हैं। अयांश अभी मस्ती में है और मजे से मजे कर रहा है, तो सोच रहे हैं इसको यहीं पर सुला के हम जाके कुछ किचन में काम देख लें कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ये अपने पापा के साथ रहेगा, ये देखते रहेंगे उसको कि रोता है तो फिर हमको आवाज़ लगा देंगे, हम वापस आ जाएंगे जल्दी से। तब तक जा रही मेरे सुना। ओ बेटा देख लो, देख लो बेटा, देख लो कौन है, बोल दो हेलो, हेलो बोल दो बेटा।
रह लोगे अकेले की दादी के पास चलोगे? वो क्या है कि इसको अगर हम चाहेंगे कि अकेले छोड़ दें यहाँ पे विवेक के साथ या विवेक की गोद में ये रह जाए तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उनके पास जाते ही पता नहीं इसका दिमाग में क्या हो जाता है, पूरा चिल्लाने लगता है जोर जोर से, नहीं जाएंगे जोर जोर से, मुझे हटाओ यहाँ से हटाओ। और बाकी सबके पास तो मजे में रहता है, मजे में खेलता है, मजे में खेलता है, ये मजे में खेलता है। देख सकते हैं शांता पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही है, ये पिछले आधे घंटे 45 मिनट से रेडी हो रही है, और नीचे खुशबू और पापा वेट कर रहे हैं कि अब शांता आएगी अब आएगी, और ये हर बार बोल रही है 2 मिनट आ रहे हैं आ रहे हैं, पता नहीं कितना रेडी होती है, इतने बार में इतने दिन में तो हम 5 बार रेडी हो जाएं। और विवेक बेचारा को तेल लगा दिए हैं बाल में, तबीयत खराब हुआ, अभी हल्का सा उठे नाश्ता किए हैं, और ये अब रोना शुरू कर दिया है मेरा गुल्ला पूछा। हाँ बेटा हाँ जा जाओ ना शांता। शांता तो पार्टी से आ चुकी है लेकिन अब बताई नहीं अभी कि क्या खाएं क्या नहीं खाए, क्या चाहिए पार्टी में? कुछ खास नहीं था, ठीक ही था। हाँ ठीक था, मैं कुछ खास नहीं था, ठीक ही था। इसका पेट लोग बहुत मिठाई खाते हैं, पेट नहीं भरा हमारे का मिठाई खा खा के, रोटी है खा ले जाके, ये रहा ना वो खराब हो जाएगा, हम मिठाई खा के आए हैं। तो खा के आई है वैसे, झूठ बोल रही है कि नहीं खाए हैं, पेट देख के लग रहा है कि खा ली है। तो अब हम लोग जा रहे हैं छत पे कपड़ा लाने, आखिरकार कल का प्लानिंग शायद 50-50% सक्सेस हो रहा है, तो आप लोग देखते रहिए कि हम कल कहाँ जा रहे हैं, बताएंगे नहीं, देखिएगा सब पता चलेगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। चलिए गुड नाइट, बाय बाय।